हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन करना और उसे क्लियर करना दो अलग अलग चीज़ें इसलिए भी क्योंकि यूपीपीएससी की प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन उसे निकाल देखें, उसे क्लियर कर पाते हैं यहाँ पर कुछ ही बच्चे, यानी लाखों बच्चों में शायद कुछ सौ या कुछ हज़ार बच्चे ही यहाँ पर इस एग्ज़ाम को लेकर के क्लियर करते हैं और यहाँ पर अपना नाम जो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो कि यहाँ पर हमें करना है, यानी कि ऐसे क्या चीज़ की जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 निकल जाए, ये एक सवाल जो होना चाहिए आप सबके मन में होना चाहिए। रिजल्ट देखिए आ गए हैं, यूपीपीएससी का आया है, यूपीएससी का आया है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आप देख रहे होंगे, कॉपियाँ देख रहे होंगे, कट ऑफ चेक कर रहे होंगे, और उससे आपको एक आइडिया भी लग रहा होता, आपको मोटिवेशन भी आ रहा होगा कि यार मुझे भी करना है, मुझे भी अपना नाम यहाँ पे देखना है। लेकिन वो सबसे ज़रूरी पहलू क्या है, ये मोटिवेशन अगर आपको सक्सेस दिलाने के लिए है तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पर इतना ही मोटिवेट हो रहे हैं कि बस आप पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं तो वहाँ पर समस्या है। आप इन चीज़ों को ऐसे देखिए कि ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि लाखों के बच्चों में से उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है, तो कुछ तो ऐसा चीज़ होगा जो यहाँ पर वो खास कर रहे हैं, तो यहां पर हमें वैसा ही करना है। अगर आपने इनको देखा होगा, सुना होगा, तो यहां पर इनके द्वारा भी आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें की गई, ऐसा बहुत कुछ अलग नहीं कर दिया गया है, हाँ कुछ चीजों को यहां पर स्मार्ट तरीके से किया गया, और वही चीजें हम आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का निकाल लें। हम इसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। देखिए, सिर्फ हम यहां पर प्रीलिम्स की ही बात करने वाले हैं, और सिर्फ प्रीलिम्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहला स्टेप प्रीलिम्स आता है। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस देंगे, फिर हम यहाँ पर आपको देखा जाए। प्रीलिम्स की वीडियो के बाद मैं एक वीडियो सीरीज और बनाऊंगा जिसमें हम मेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला और आज का वीडियो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करें कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स निकल जाए हमारा 2024 के एग्जाम को अगर हम यहाँ पर टारगेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, कैलेंडर भी नहीं आया है, आने वाला है बहुत जल्दी, उसको लेकर के एग्जाम डेट अभी की फाइनल हो जाएगी, लेकिन हमें पढ़ना तो है, डेट आएगी जब तक आएगी, क्योंकि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में क्या है, पढ़ाई करना, तो हमें पढ़ना है, लेकिन उस पढ़ाई में भी हमें यहाँ पर इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ पर पांच चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इन पांच चीज़ों का यदि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इसके फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं, और बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, मैं इन चीज़ों को यहाँ पर लिखने भी जा रहा हूँ, आप भी यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए और इसे अप्लाई ज़रूर करें, अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी भी, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर इसे अप्लाई जरूर करें। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहला काम जो लोग नहीं करते हैं, और जो यहां पर अगर आपने वीडियोस देखी होंगी जो टॉपर्स इत्यादि की, वो भी ये बोल रहे हैं कि आपको पीवाईक्यूपी लगानी चाहिए। पीवाईक्यूपी क्यों लगानी चाहिए, अब इसका जवाब यहां पर हम देखते हैं। देखिए पीवाईक्यूपी कम से कम आप 10 साल का लगाइए, ठीक है, 10 साल का यहां पर आप पीवाईक्यूपी यूपीपीसीएस का लगाकर जाइए। अब देखिए जब आप पीवाईक्यूपी लगाते हैं तो उसके मायने क्या होते हैं, ऐसा क्या होता है जो आपको इससे बेनिफिट्स होते हैं, देखिए मैं गिनाता हूं आपको। पहली चीज यहां पे देखिए, यूपीपीसीएस में जब आप पेपर को लगाते हैं, एक तो यहां पर जो आपका सिलेबस होता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट में यहां पर टॉपिक्स होते हैं। आपको क्या आइडिया लगता है कि यहां पर देखिए किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या होता है, पीवाईक्यू लगाने से आपको अपने सिलेबस की एक बेहतर समझ, क्वेश्चन यहां पर किस तरीके के आ रहे हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, किस सब्जेक्ट से यहां पर आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको इसका आइडिया लगता है, और साथ ही साथ यहां पर उनके स्तर का भी पता लगा है कि क्वेश्चन यहां पर क्या बहुत डीप पूछता है, स्टैटिक्स पूछते हैं, कॉन्सेप्ट पूछते हैं, ये आपको क्या पूछ रहा है, किस तरीके के पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछता है, और इसलिए यदि आप 10 साल का क्वेश्चन लगाते हैं तो उसको आपको एक रेशियो भी मिल जाता है, एक एवरेज भी मिलता है, एक अनुपात भी मिलता है कि अगर हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में पिछले 10 साल में आपको कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से पूछे गए, या कितने क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे गए, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपको एक एवरेज पता चलता है, और इस लिहाज से आपको 10 साल में क्वेश्चन के पेपर, सब्जेक्ट, टॉपिक एनालिसिस आपका यदि पूरा हो जाता है तो आप उस सब्जेक्ट को जब पढ़ने जाते हैं, एनालिसिस करने के बाद जब उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अगर मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में पिछले 10 सालों में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि यहां पर मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक हैं जो कि यहां पर कभी कभार पूछे गए हैं, कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यहां पर आपको बदलते हुए परिस्थिति अनुसार अलग अलग टाइम पर पूछे गए और वहां पर उसके बाद उन्हें नहीं पूछा गया, या करंट के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा है, तो ये चीजें क्या होंगी आपको पढ़ने में, आपको स्ट्रेटजी बनाने में, आपको रिविजन करने में, आपको फोकस करने में यहां पर आपको हेल्प करती है। दूसरा यहां पे जो तरीका होता है ये इसी से जुड़ा हुआ ही है, इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल करने के लिए इसे पॉइंट टू के अंतर्गत कहूंगा। तो पीवाईक्यूपी यहां पे 10 साल के लगाने के बाद आपको जो अगली स्ट्रेटजी यहां पर करना है
डिवाइड एंड स्टडी, ठीक है। आप चीजों को यहां पर डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसे तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट क्या है, और उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। यानी कि आप, जैसे कि मैंने कहा, जब आप 10 साल का एनालिसिस यहां पे करते हैं तो इससे एक आइडिया आपको मिलता है कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां से आती हैं। सब्जेक्ट वाइज भी आप इसे कर सकते हैं और टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज भी इसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल वाइज अगर मैं दूं, मान लेते हैं आपने यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बनाया। सब्जेक्ट वाइज हमने देखा कि UPPCS के एग्जाम में पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखें तो हिस्ट्री, साइंस यहां पर देखें तो आपको लगातार आपको इससे आई है। ज्योग्राफी को लेकर के क्वेश्चन आपको ज्यादातर यहां पर पूछे जाते हैं। अब पिछले कुछ सालों में जब से यहां पर सिलेबस आपको पिछले 2018 में यहां पर आपको चेंज हुआ है, उसके बाद एक यूपी स्पेशल को लेकर भी चीजें क्वेश्चन आपको बढ़ी हैं। एनवायरमेंटल चीजों को लेकर क्वेश्चन आपको आए हैं, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो यहां पे तीन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हां इंपॉर्टेंट यहां पर रहते हैं। लाइक आप अगर आप इसमें देखें तो पॉलिटी हो गई, आपको इसमें आपको देखा जाए तो एनवायरमेंट के टॉपिक्स आ गए, इसी में आपको यहाँ पर यूपी के टॉपिक भी हम इसी में रखें क्योंकि 10 से 12 के एवरेज क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस को देखें तो इनके 15 से 25 क्वेश्चन तक 30 क्वेश्चन तक भी आपको देखने को मिलते हैं। और लिस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, करंट ओरिएंटेड रहते हैं, IR रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, या आपको कोई चर्चित विषय यहाँ पर आपको बन गया तो उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर जो होते हैं वो यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर रिपीटेड नहीं हो सकते हैं। आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें वहाँ पर आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो ये आपको आइडिया मिल गया। ठीक है, एक इस सब्जेक्ट वाइज के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो आप इसे बना सकते हैं। अगर हम कहें टॉपिक वाइज बनाना है, टॉपिक वाइज बनाने के लिए क्या करना है कि लाइक यहां पे मान लीजिए हमने कहा हिस्ट्री को ही हमें एनालिसिस किया है, 10 साल का अगर आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो 10 साल में आपने क्या किया कि यहां पर आपने किया मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में क्या है कि हमने यहां पे लिख लिया कि देखिए यहां पे कहां से क्वेश्चन आ रहा है। हमने देखा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर को लेकर क्वेश्चन भी आपको देखने मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको फिर यहां पर एशियन हिस्ट्री भी आपको है, मिडिवल हिस्ट्री भी यहां पर है, तो यहां पर एशियन में आपको क्वेश्चन आते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में यहां पर आपको क्वेश्चन आते हैं। अब एशियन मिडवेल में भी देखा जाए तो आपको जहां पर ज्यादा क्वेश्चन जैसे एशियन में आ गए तो आपको हड़प्पा हो गया, जैन बौद्ध हो गए वहां से आते हैं, मौर्य में देखा जाए तो अशोक को लेकर के आपको उनके शिलालेखों को लेकर आते हैं, गुप्त गुप्तोत्तर में देखें तो सांस्कृतिक स्थितियों को लेकर आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से आप अगर हम मुगल कालीन स्थितियों देखें तो उनके आर्थिक सामाजिक पहलुओं को लेकर, विजयों को लेकर के यहां पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या काल क्रमानुसार उनकी स्थितियों को लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक स्टडी हो गई, यानी कि आप जब इस तरीके से 10 साल का एक पेपर लगाते हैं तो उस 10 साल के पेपर में यहां पे पढ़ने का, सब्जेक्ट के एनालिसिस के माध्यम से टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस और टॉपिक से इंपॉर्टेंस के आधार पर क्या कर सकते हैं, आप एक यहां पर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं पढ़ने को लेकर के। एग्जाम के रिवीजन के समय भी आपको इन्हीं को अप्लाई करना है कि यार मुझे अगर देखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मुझे हिस्ट्री में, अगर मुझे मॉडर्न इंडिया से आ रहा है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा यहां पर रिवाइज करना चाहिए कि अगर 30 में से अगर मुझे 15 या 20 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आ रहे हैं उसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन का जो स्तर हुआ, जो पढ़ाई करने का जो तरीका होगा, जो पढ़ना शुरू करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आप वहां पर स्कोर अच्छा करेंगे, जो मॉक टेस्ट लेंगे या एग्जाम आप करेंगे तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर जो तरीके हैं, जो आपके पढ़ने को लेकर एक कंफ्यूजन रहता है कि यार क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या नहीं छोड़ें, वो आपको ये दो स्टेप को अगर आप फॉलो अप करना शुरू कर देंगे, पहला स्टेप और उसके बाद ये दूसरा स्टेप, तो आपको काफी कुछ यहां पे क्लियर हो जाएगा और एक क्लियर पाथ के अनुसार आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तीसरे स्टेप में करना क्या है, जब ये दो काम आप कर लेंगे तो तीसरे स्टेप इसी से जुड़ा हुआ है, पढ़ने के तरीके को और आसान बनाने के लिए आप यहां पे जीएस के करीब आप 100 टॉपिक्स निकाल लो, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी सब्जेक्ट को मिलाकर हो जाए। यानी हिस्ट्री के निकाल लो आप, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आए उनको आप रख लो। इसी तरीके से आप ज्योग्राफी के निकाल लो, आप इन्वायरमेंट के निकाल लो, आप साइंस के निकाल लो, हर सब्जेक्ट का यहां पर देखा जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या करिए, करीब 100 टॉपिक निकालिए, इन 100 टॉपिक्स को आप यहां पर पढ़िए। ठीक है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर, इसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, पॉपुलेशन, ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, साइंस एंड टेक,
जो भी यहाँ पे टॉपिक है, आप उनको यहाँ पर आप 100 टॉपिक जीएस के 100 टॉपिक निकालिए और ये आप देखेंगे, अगर आप पूरे 10 साल के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पर इन 100 टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ से आपको लगभग आपको 80% तक के क्वेश्चन आ रहे होंगे। और अगर 80% क्वेश्चन सिर्फ इन 100 टॉपिक से निकल कर आ जा रहे हैं, देखिए ये आप अपने स्तर पर भी निकाल सकते हैं, ये 100 टॉपिक कौन कौन से हैं, सिर्फ 10 साल का एनालिसिस करिए, अन्यथा यहाँ पर हम 100 टॉपिक कौन कौन से हैं उनको लेकर एक अलग वीडियो भी बना देंगे कि कौन कौन से 100 टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ से आपको ये 100 टॉपिक कलेक्ट करना है या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये 100 टॉपिक अगर आप यहाँ पे पढ़ लें, इन्हीं को आप मल्टीपल टाइम इन 100 टॉपिक्स को टारगेट करें कि मुझे 100 दिन में खत्म करना है, अब 100 दिन में इन्हें कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लो। एग्जाम से पहले का अगर आपके देखे भाई, अगर आपको मान के चलिए अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को अगर मान के चलिए हम 100 दिन है, तो आपको ये 100 टॉपिक अगर आपने निकाल लिए और इन 100 टॉपिक को ही आपने टारगेट किया है कि एग्जाम से पहले मुझे 2 से 3 बार यहाँ मल्टीपल टाइम आपने इसे पढ़ लिया, तो आप यहाँ पर मान के चलिए प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है। अब 80% जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चौथा स्टेप आता है वो भी यहाँ पे जरूरी, क्योंकि करीब 20% क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर जाते हैं और वो क्या है, वो करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चौथा पार्ट है हमारा जो करंट अफेयर्स को लेकर के है, अब करंट अफेयर में देखिए करना क्या है आपको, करंट अफेयर देखा जाए लोग पढ़ते बहुत हैं और करंट अफेयर्स को लेकर के देखा जाए आपकी जो तरीके हैं वो आपको कहां से क्वेश्चन आएंगे ये भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप एनालिसिस करें और एनालिसिस पिछले कुछ सालों का है, बहुत पीछे नहीं जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई आप कह सकते हैं कि हर साल बदल जाता है, हर दूसरे चौथे साल बदल जाता है, उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ ये हो सकती है कि हम इसे दूसरे तरीके से एनालिसिस करते हैं, हम इसे ये नहीं करते हैं कि करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स में किस समय के बीच के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए कितने समय तक का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, तो आपको देखिए कई जगह पर 18 महीने बोला जाता है, 12 महीने बोला जाता है, 18 से 12 महीने का करंट अफेयर तो पढ़ के जाना है, जो कि सही भी है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 18 महीने में या 12 महीने में कौन से मंथ के 20 तक के करंट अफेयर आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको एनालिसिस किया जा सकता है और उस बीच के यहां पे करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस होकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहां पर मैं 18 महीने के यहां पर अगर मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक डेट मान लीजिए एग्जाम से पिछले, क्योंकि हमें पिछला ही करंट अफेयर पढ़ना होता है, तो जब एग्जाम होना है उससे लेकर के पिछले 18 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, तो वहां पर अगर हम देखें तो इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, एग्जाम से पिछले 1 से 6 मंथ, फिर 7 से 12 मंथ और पिछले यहां पर 13 से 18 मंथ। ठीक है, 1 से 6 मंथ मैंने एग्जाम से आपके 6 महीने पहले के जो भी है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे जुलाई का टाइम है, ठीक है, जुलाई मान लीजिए हम एग्जाम होने हैं, तो हमें यहाँ पे जनवरी से अब जून तक का जो टाइम होगा, तो जनवरी से जून तक का टाइम हमारा पहला या 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पिछला करंट अफेयर है, पिछला अगर करंट अफेयर है, फिर हमारा दिसंबर से शुरू हो जाएगा और जुलाई तक रहेगा, ये हमारे 7 से 12 महीने का, और उसके बाद फिर से अगर हम देखें तो फिर से यहाँ पे आपका जून से लेकर के जनवरी तक का हो जाएगा, तो ये हमारे 13 से 18 महीने का करंट, ये एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर आता है वो किस पोर्शन से आता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर करंट अफेयर्स की स्थिति को देखें तो आपको ये जो आता है 1 से 6 मंथ, 6 महीने पहले का करंट अफेयर देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, एग्जाम्पल में इसे समझाना चाहूँ, एक इसका वेटेज परसेंटेज में बताना चाहूँ, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चन करंट के आए हैं, इन 12 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि करीब आपको 6 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको सिर्फ पिछले 6 महीने के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके यहाँ पर देखेंगे 7 से 12 महीने के होते हैं, और लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको देखा जाए तो पिछले आपके 13 से 18 महीने के होते हैं। यानी अगर आपको करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है तो आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा फोकस पहले यहाँ पे एग्जाम से 6 महीने वाले करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए, कोई अर्धवार्षिकी लीजिए उसको पढ़ डालिए, या फिर आप पिछले 6 महीने अगर करंट अफेयर पढ़ भी रहे हैं तो आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो उसको पढ़ते जाइए। यहाँ पर आपको पहले 6 महीने एग्जाम से आपके पहले जो 6 महीने बीत चुके हैं उनको टारगेट करिए, उसके बाद के आगे 6 महीने। अगर आप यहाँ पे 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो देखिए 1-2 क्वेश्चन मैं कहता हूँ 12 के 12 अटेम्प्ट भी नहीं करने, अगर हमें 10 क्वेश्चन यहाँ पर टारगेट करने के 12 में से 10 करने हैं तो हम यहाँ पे 6 महीने को हटा दें,
प्रिलिम्स क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ने। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा है, एक दो क्वेश्चन आने हैं, उससे ज़्यादा आना है। तो हम इसे हटा भी सकते हैं। हम आ जाते हैं, फोकस कर लेते हैं अपने 12 महीने, और 12 महीने में भी हम इसे ज़्यादा प्रायोरिटी देकर पढ़ते हैं, पहले 6 महीने को, फिर उसके बाद के 6 महीने को। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में भी यहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 12 में से 10 को टारगेट करिए, और 10 में से अगर आपने यहाँ पर 8 भी स्कोर सही कर लिए तो आप यहाँ पर करंट अफेयर बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20% आपका जो करंट अफेयर डिवाइड करेगा, ये आपके जीएस के साथ साथ आपके करंट अफेयर्स की स्टडी आपको काफी हद तक इस एग्जाम के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में हेल्प करने वाला है। पांचवी जो और अंतिम चीज जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है वो है आपका, देखिए जीएस में आप कितना भी स्कोर अच्छा कर लो, सीसेट के बिना नहीं होने वाला है। इसलिए सीसेट की जो प्रिपरेशन है खासकर हिंदी भाषी के छात्रों के लिए, देखिए यहां पर भी सेम स्ट्रेटजी अपनानी है। पांचवा जो हमारा स्टेप रहेगा वो सीसेट को लेकर है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो सिर्फ जीएस के भरोसे नहीं होना है, सीसेट के पेपर के बिना आपका यहां पर कोई मतलब नहीं है, प्रीलिम्स कहीं भी क्वालिफाई नहीं होना है। तो हमें यहां पे करना है सीसेट को क्वालिफाई, और सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए फिर से कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस जो आपने यहां पे जीएस पे किया हुआ है, यानी कि सीसेट के लिए भी आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हल कर डालिए, 10 साल के क्वेश्चन पेपर के सी सेट को लगा लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, और बाकी प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही सी सेट के, तो उनके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे टीचरों के आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के हैं, आपके मैथ रीजनिंग लॉजिक के हैं, आपके साथ साथ इंग्लिश के हैं, आप हिंदी के हैं, तो उनको आप वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। हमें 33% मार्क्स लाना है, तो सी सेट के लिए क्या करते हैं कि आप टारगेट करिए कि मैं यहाँ पर करीब 50% मार्क्स लाने की प्रिपरेशन करते हैं, और 50% या 60% आप अगर टारगेट करते हैं तो आप आसानी से यहां पे मैं कहता हूं 33-34-35% तो आप ला ही सकते हैं कि एग्जाम आपका डिस्क्वालीफाई ना होने पाए, क्वालीफाई हो जाए सी सेट के लिए। तो आप यहां पर 10 साल के करंट सी सेट को लगाने के बाद आप उनमें 50% ऐसी कौन सी चीजें जिस पे आप चीजें समझ पा रहे हैं, जिनके क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, जिनको आप हल कर पा रहे हैं, या जिनको आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम देने से वो चीजें आपको समझ में आ जा रही हैं, आप उन 50% पर फोकस करो। आप सी सेट में भी देखें तो कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है, वहां पर आपको मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंटरपर्सनल स्किल आती है, डिसीजन मेकिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो 5-6-7 टॉपिक आपको आते हैं। अब ये 6-7 टॉपिक्स में से आपको कोई यहाँ पे टारगेट करने की जो 50% आपको कहां से मिल जाएगा, और उस 50% में हिंदी भी हो सकती है, आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो अंग्रेजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैथ अच्छी है तो मैथ पकड़ लीजिए, रीजनिंग जिनकी अच्छी है उनको रीजनिंग मेहनत करने दीजिए, कॉम्प्रिहेंशन समझ में आते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन यहां पर आप हल कर पा रहे हैं तो उन्हें करिए, और उस लिहाज से यहां पर अपने आप की कैटेगरी देखिए कि आप किस तरीके क्वेश्चन पर आपकी पकड़ अच्छी है, किस पर आप ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किन चीजों में अच्छे हैं, आपको कौन सी चीजें समझ में आ रही हैं, आप कितने यहां पे हल कर पा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसी पर मेहनत करिए। अगले यहाँ पे 100 दिन आप उस 50% के सब्जेक्ट पर यहाँ पर अपनी फोकस होकर स्टडी करिए और टारगेट करिए उसे हिट करने का। उसके बाद यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि यहां पर आप अपनी तैयारी को भी परख सकें। अपनी तैयारी करने के लिए 10 साल के क्वेश्चन पेपर के साथ कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए। इतना अगर आप सी सेट में करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को आप समझ करके अपनी तैयारी अगर करते हैं, तो आपको इस एग्जाम के UPPCS प्रीलिम्स को इस साल क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आई होप यहाँ पर ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरी जो स्ट्रेटजी यहाँ पर है, बहुत छोटी चीज़ें, ऐसी मैंने कोई चीज़ नहीं बताई है जो आपको हेल्प ना करे, लेकिन हाँ, एक सिस्टमेटिक ढंग से, और इनके क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से आप इन्हें एनालाइज कर सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा होता है, आप इन्हीं इनमें से किसी चीज़ पर डिटेल से वीडियो चाहते हैं, उसको और बेहतर तरीके से समझाया जाए, उन पर और बेहतर तरीके से चर्चा की जाए, तो कमेंट के बॉक्स में उन पर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर ज़रूरी है, उन पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।